वाक अपने पूरा हुआ पाठ। अब अपन शब्द संपदा देखते हैं। देखिए वाक का मतलब होता है वाणी, शब्द या कथन। यह चार पंक्तियों से बद्ध कश्मीरी शैली की गे रचना है। गे का मतलब होता है गाने योग्य रचना है। दूसरा है कच्चे सकोरे यानी स्वाभाविक रूप से कमजोर। तीसरा है रस्सी कच्चे धागे की यानी कमजोर और नाशवान। नाव का मतलब होता है जीवन रूपी नाव। सम का मतलब होता है अंतःकरण। समभावी का मतलब होता है समानता की भावना। खुलेगी सांकल का होता है खुलेगी सांकल बंद द्वार की चेतना व्यापक होगी मन मुक्त होगा। सूक्ष्म सेतु सूक्ष्मना नाड़ी रूपी पुल है जो हठ योग में शरीर को तीन प्रधान नाड़ियों में एक नाड़ी सूक्ष्मना है जो नासिका के मध्य भाग बाह्य रंध्र में स्थित है। जेब टटोली का मतलब होता है आत्मालोचन किया। कोड़ी नपाई का मतलब होता है कुछ प्राप्त न होना। माझी का मतलब होता है ईश्वर, गुरु या नाविक। उतराई का मतलब होता है सदकर्म रूपी मेहनताना। थल थल का मतलब होता है सब जगह सर्वत्र। शिव का मतलब होता है ईश्वर और साहिब का मतलब है स्वामी या भगवान या ईश्वर। प्रश्न उत्तर में अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह कैसी है? तो इसके उत्तर में लिखना आप, यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग मनुष्य के सांस या प्राण के लिए हुआ है जिसके सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। वह रस्सी अत्यंत कमज़ोर है, यह कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ रस्सी से तात्पर्य है जीवन से। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखना, कवयित्री का जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है अर्थात मृत्यु निकट आ रही है, किंतु प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा है। अतः उससे लगता है कि उसकी साधना व्यर्थ हुई है, साधना का परिणाम सार्थक नहीं निकल रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो इसके उत्तर में आप लिखना, घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि इस भव सागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में जाना व परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानना। चौथा क्वेश्चन देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज और बता देती हूँ। एक प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, एक प्रश्न आता है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने में उसमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखना होता है और भाव सौंदर्य में सिर्फ उसका सरलार्थ होता है, भावार्थ होता है या व्याख्या की जाती है। तो इसमें आपके है दो व्याख्याएँ आई है। पहली है जेब टटोली कोड़ी न पाई, दूसरी है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। तो आपके जो पहली पंक्ति है जेब टटोली कोड़ी न पाई, इसमें आपको इसका भावार्थ लिखना है। कवयित्री को अनुभव होता है कि वह जीवन भर हठ योग साधना करती रही अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हथगंडे अपनाती रही, किंतु कोई सफलता न मिली, उसकी जेब खाली ही रही। दूसरा है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। इसमें आप लिखना, मनुष्य भोग कर करके अपना शरीर ही नष्ट करता है, उससे कोई उपलब्धि नहीं हो पाती या मिल पाती, वह परमात्मा से दूर होता जाता है। भोग करना एक प्रकार का भटकाव है, भोगों पर लात मारने वाला अर्थात त्यागी तपस्वी वर्ती महात्मा अहंकारी हो जाता है। वह स्वयं को सबसे ऊंचा मानने लगता है, अतः वह भी ईश्वर भक्ति से भटक जाता है। अर्थात दोनों ही
तरफ से ईश्वर की प्राप्ति होना संभव नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्य ने क्या उपाय सुझाया है? तो इसके उत्तर में लिखना, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री ने निम्नलिखित उपाय अपनाने का सुझाव दिया। सुझाव को आप पॉइंट में लिखोगे। पहला लिखना, मनुष्य को सांसारिक विषयों में न अधिक लिप्त रहना चाहिए और न इससे विमुख होना चाहिए, था दूर होना चाहिए। उसे बीच का रास्ता अपनाकर संयमपूर्ण जीवन जीना चाहिए। दूसरे पॉइंट में लिखना, मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि या समान भाव से देखना चाहिए। तीसरे पॉइंट में लिखना, प्रभु की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। छठा प्रश्न है आपके, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो इसके उत्तर में लिखना, आपके जो तीसरे पद में आई है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जो ये पंक्ति है इसमें इसका बताया गया है। जेब टटोली कोड़िन पाई माजी को दूं क्या उतराई, ये पंक्तियाँ लिखनी है इसमें आपको। जो सातवां प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो इसके उत्तर में आप लिखना, हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर न समझने वाला ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दोनों ही उसी एक प्रभु की रचना है, संतान है, तथा अपने आप को पहचानने या आत्मज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। व्यक्ति ही आखिर आत्मा और परमात्मा को मिला सकता है, अर्थात उसे ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। फिर है आठवां क्वेश्चन है आपके, रचना और अभिव्यक्ति संबंधी। इसमें हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। पहला प्रश्न है इसका, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? तो इसके उत्तर में आप लिखना, आपसी भेदभाव के कारण देश और समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही है। पहली हानि यह है कि समाज आपस में बंट गया है, अर्थात उसके टुकड़े हो गए हैं। कुछ लोग बिना कारण हमारे मित्र और कुछ शत्रु हो गए हैं। इस कारण अनेक झगड़े खड़े हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है, फसल है। इसी विष के कारण भारत और पाकिस्तान दो देश बने, फिर भी उनमें आपसी शत्रुता बनी रहती है। विभाजन के बाद भी चार युद्ध हो चुके हैं, अरबों रुपए नष्ट हो चुके हैं, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। यह देश और समाज की बहुत बड़ी हानि है। आपसी भेदभाव के कारण भय, संदेह और अविश्वास बना रहता है। जीवन भर अनावश्यक खतरा मंडराता रहता है। दूसरा प्रश्न है आपके, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। ये काल्पनिक प्रश्न है, चलो मैं आपको बता देती हूँ। आपसी भेदभाव को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि बातों की चर्चा न करें। यह भेदभाव बढ़े, कई बार इतिहास ही हमारे घावों को हरा कर देता है, अर्थात उनको वापस उधेड़ देता है। ऐसे ऐतिहासिक बातों को न दोहराएं। दूसरे, अलग अलग जातियों के लोग अपने नामों के पीछे जाति का नाम न लगाएं। एक दूसरे के नामों को, उनकी भाषा को, उनके महापुरुषों को, उनके उत्सवों को, उनके रहन सहन और खान पान को अपनाएं। अपने घर भोजन पर दूसरों को निमंत्रित करें, बुलाएं। सबसे बड़ा उपाय यह है कि रोटी बेटी का
रिश्ता बनाएं। इन्हीं उपायों से आपसी भेदभाव दूर होगा और सब में प्रेम की भावना का विकास होगा।